मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत खरीदे गए गाड़ी के 6 महीने बीत गए, लेकिन डीटीओ ने लाभुकों को परमिट जारी नहीं किया है, जिसके कारण 6 महीने से खरीदे गए गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है और लाभुकों को गाड़ी खड़ी कर किश्त देना पड़ रहा है, जिससे लाभुकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मालूम हो कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के परिवहन मंत्री के कार्यकाल में ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई थी। इसी के दौरान पूरे झारखंड में परिवहन अधिकारी के मदद से हर एक जिले में गाड़ी की खरीदारी कार्रवाई की गई थी। गाड़ी खरीदने वाले लाभुकों को बैंक से गाड़ी भी मिली। गाड़ी मिलने के बाद सभी गाड़ी मालिक को गाड़ी सहित रांची बुलाकर हरी झंडी भी दिखाई गई थी। तो कुछ जिलों में लाभुकों को परमिट भी मिला, लेकिन बोकारो के लाभुक को 6 महीने से परमिट परिवहन विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। सभी लाभुक अपने घर के जेवरात बेच गाड़ी का किश्त अदा कर रहे हैं। लाभुकों ने बताया कि भुखमरी की हालत बन गई है, अधिकारी ने टाल मटोल करके परेशानी में डाल दिया है। मेरा नाम हुआ तालेश्वर साहू। हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के जनवरी में हम लोग खरीदे हैं गाड़ी। बोकारो जिला में अभी तक एक भी परमिट नहीं हुआ। जो डीटीओ मैडम हम लोग गाड़ी लेने के पहले बोली थी कि 2 दिन में हम लोग परमिट करके देंगे, अभी 6 महीना हो गया, अभी तक कोई परमिट नहीं हुआ है। और हम लोग को किस्ती 56,000 रुपये पर मंथ एक गाड़ी में कट रहा है। इतना परेशानी है, बहुत परेशानी है। कम से कम बोकारो हम लोग अभी लेके 20 से 25 बार डीटीओ मैडम जगह आए हैं, रोज़ बोलती है 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, ऐसे होते 6 महीना हो गया। क्या परेशानी है? सर, हम लोग जनवरी में गाड़ी लिए हैं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी। हम लोग को डीटीओ मैडम बुला के बोला कि तुम लोग गाड़ी लो, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। हम 3 से 4 दिन में हम पेमेंट माने परमिट मिल जाएगा। उसके बाद बैंक को चिट्ठी लिखा, बैंक को जाके हम लोग दिए, बैंक हम लोग को लोन दिया है ना, डीटीओ मैडम के प्रेशर से। उसके बाद अभी हम लोग का 5 महीना होने चला, अभी हम लोग को परमिट मिला ना, कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग घर से परिवार का गहना वहना बेच के हम लोग अभी किस्त भर रहे हैं, है ना। हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को जल्दी से जल्दी परमिट चाहिए और हमारा जो सरकार सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से हम लोग को गाड़ी मिला था, जिसका बोला गया था कि 2 दिन में परमिट मिल जाएगा, वो परमिट अभी तक नहीं मिला। और जब न तब जब आते हैं यहाँ तब बोला जाता है कि 2 दिन में परमिट मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा। न परमिट मिल रहा, न सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलना था, वो भी नहीं मिल रहा। बहुत परेशानी है भैया, घर बैठ के गाड़ी की किस्ती दे रहे हैं, खड़ा है घर में गाड़ी। चाहते हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोग को परमिट मिल जाए, जो सब्सिडी जो पास हुआ है वो मिल जाए हम लोग को। हाँ।